28 को संध्या 11:30 बजे से शुरू होकर के 29 को संध्या नहीं कह सकते, मध्य रात्रि कह सकते हैं, 11:30 बजे शुरू होकर के 29 तारीख को भोर में 2:24 बजे तक चलेगा रहेगा। ये कब? सूतक 4 बजे से शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा सुबह में ही स्टार्ट हो जा रहा है, 4 बजे भोर में स्टार्ट हो जा रहा है, जो कि 28 के सुबह भोर में 4 बजे पूर्णिमा स्टार्ट हो जा रहा है, जो कि 29 तारीख को भोर सुबह में 4 बजे तक, 4:05 बजे तक रहेगा। भारत में, यूरोप में, रसिया में, अफ्रीका में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में करीब करीब सब जगह से दिखेगा, अच्छा और पार्शियली निचले दक्षिणी गोलार्ध से भी दिखेगा। सूर्य ग्रहण में सतर्कता की जरूरत रहती है। चंद्र ग्रहण को देखना अच्छी बात माना जाता है, क्योंकि जैसा अपना पौराणिक कथा है और प्रोवेन भी है कि सबसे अधिक गुण है जो चंद्रमा में है, और इसी को शरद पूर्णिमा कहते हैं, और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 गुणों से विभूषित रहती है, और इसे देखना अच्छी बात मानी जाती है। इतना तक अच्छी बात है मानी जाती है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग खीर बना के ओपन स्काई में रखते हैं, लेकिन इस बार की जो घटना है चंद्र ग्रहण के कारण, हम लोग इस बार शरद पूर्णिमा का जो खीर है ओपन स्काई में नहीं रखते हैं, जो कि एक खगोलीय जिस कारण से तो नहीं, हम लोग खीर का जो कार्यक्रम है उसको प्रीपोन और पोस्टपोन करने का है। चंद्र तो हमें रात में ही मिलता है, और चंद्र पूर्णिमा स्टार्ट हो जा रहा है 28 तारीख को भोर से, मतलब 4 बजे भोर से, तो 4 बजे भोर से भले ही 28 तारीख को, 27 तारीख को संध्या में खीर बना ले, और 4 बजे भोर में भी चंद्रमा दिखेगी, 4 बजे से लेकर 5-6 बजे तक। उस 28 तारीख को 4 बजे शाम का बना हुआ खाना 29 तारीख को सुबह तक नहीं खाना चाहिए नॉर्मली। पूर्ण चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 को लगा था, उसके बाद 8 नवंबर को भी पूर्ण लग गया था, 5 मई 2023 को पेनम्ब्रल लगा था। पेनम्ब्रल इसको बोलते हैं, एक देखिए पूर्ण ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है जो पूरा छाया हो, इसको अम्ब्रा बोलते हैं। ऐसा वाला जो हम लोग चंद्र ग्रहण लगा था कब, 16 मई को और 22 मई को, अच्छा लेकिन ये वाला लगा था, पेनम्ब्रा लगा था रिसेंटली, मतलब इसी साल मई में ही 5 मई को लगा था, वो पेनम्ब्रा था, चंद्र यहाँ यहाँ पर कहीं दिखा था। और अभी जो लग रहा है हमारा 28 अक्टूबर को रात्रि में और 29 को भोर में जो लग रहा है, ये पार्शियल है। पार्शियल मतलब ये वाला पार्ट यहाँ देखिए, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ऐसा करके तो इसके अंदर घुसेगा और इस तरह का लग रहा है। ये सौभाग्य मान लीजिए 22 वाला साल था, उसमें दो दो बार पूर्ण चंद्रग्रहण लग गया था। अभी 23 वाला में जो फर्स्ट जो लगा था 5 मई को, वो पेनम्ब्रल था, जो आपको फिगर से समझा दिए कि उसमें उप छाया पड़ी, न छाया में है न उप छाया में है, थोड़ी दूरी पर है। दूरी पर मतलब ऐसे वाली पार्ट है ना, सूर्य सूर्य का भी हमसे काफी गुना बड़ा है, अब पृथ्वी है, तो चंद्र ग्रहण कब लगता है कि सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, तो थोड़ा पार्ट कटेगा इस बार, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। हाँ, ये परंपरा है कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उस पीरियड में भोजन न करें और उस पीरियड में न भोजन बनाएं। अगर किसी कारण से पेशेंट है और अनिवार्य करना, तो तुलसी दल डाल करके उसे शुद्धिकरण करने की परंपरा है, क्योंकि तुलसी दल में एक एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, वो सारी अशुद्धियों को शुद्ध करता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पूरा का पूरा पृथ्वी नहीं आया, मतलब चंद्रमा पूरा नहीं ढके, आधा ढके, चंद्रमा है पूरा लेकिन ढक रहा है आधा, उस वाले को बोलते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। अब पूर्ण चंद्र ग्रहण की चंद्रमा के बीच में पृथ्वी पूरा आ जाए, पूरा का पूरा कलर चेंज हो जाए, हाँ पूर्ण चंद्र ग्रहण है ना, और आंशिक चंद्र ग्रहण, और एक पेनम्ब्रा का इंग्लिश से हिंदी वर्ड नहीं जान रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश भी आप सुन लीजिए ना, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा और पार्शियल। हम लोग अम्ब्रा बोलते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण को, बोलते पेनम्ब्रा बोलते हैं वो आंशिक ही बोलीजिए, लेकिन आंशिक में भी दो पार्ट है, एक भाग है कि उप छाया में रहे, एक है जिसको वो भी उप छाया भी नहीं रहे।